बना तो देते हैं लेकिन बाहर निकलने नहीं देते उनको पूरी जानकारी नहीं मिलती कि क्या सरकार में क्या चल रहा है गांव में क्या चल रहा है दबा के रखते हैं तो इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि सरकार ने पचास परसेंट वाला कानून लाया मेरे को काफी सहयोग दिया है उनको लगा कि अच्छी महिला और होने के नाते विकास कार्य में सुधार आएगा इसलिए मेरे को चुनाव उनकी पूरी भागीदारी नहीं है गांव की हमारे गांव का जो बालाजी का मंदिर है उसके सामने खुली जगह पड़ी थी वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई थी उसको हमने साफ करवा के उसको चारों तरफ से दीवार के और पार्क बनवा दिया है यार मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट आज मौजूद हैं शोरडा कदीम गांव में जो कि बहल के नजदीक बहल खंड का एक गांव है हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं इस गांव की अनिल कुमारी उनसे बातचीत करेंगे जानेंगे इन पाँच साल के विकास कार्यों के दौरान किस प्रकार से गांव का सहयोग रहा ग्रामीणों का कितना प्यार मिला इन्होंने गांव में कितने विकास कार्य करवाए तो अनिल जी आपका स्वागत है नमस्कार थैंक यू धन्यवाद मैं जानना चाहूँगा शुरुआत में इलेक्शन का मन कैसे बना इससे पहले फैमिली में कोई सरपंच रहा है या फिर आपने पहली बार आपको मौका मिला और आप चुने गए पहली बार तो हमारे परिवार में कोई सरपंच नहीं रहा है लेकिन फिर भी गांव वालों की मर्जी से मैं सरपंच बनी हूँ गांव वालों ने काफ़ी सहयोग दिया है उनको लगा कि एक अच्छी महिला होने के नाते बस कुछ विकास कार्य में सुधार आएगा इसलिए मेरे को चुना उन, उनकी पूरी भागीदारी रही है गांव की चलिए मैं बात करूँगा अनिल जी कितने पढ़े लिखे हैं आप मैंने को प्लस टू कर रखे सर अच्छा हाँ इससे पहले क्या करते बस ये एकणी थी और एक आशा वर्कर का कार्य भी कर रही हूँ साथ साथ गांव में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रही तो महिलाओं तक तो आप पहुँचाते रहते हाँ। हाँ। प्रत्येक व्यक्ति का काम का, कार्य संभालना पड़ता आशा वर्कर को भी छोटी छोटी जो स्वास्थ्य संबंधी हैं वो गाँव में मैं दे रही हूँ एक आशा जो स्वास्थ्य विभाग की छोटी बड़ी से बड़ी कड़ी बताई जा रही है इसलिए उनको पूरा सहयोग दे रही इसमें स्वास्थ्य संबंधी के बारे में अच्छा पिछली बार आप महिला सरपंच के रूप में चुनी गई क्योंकि आरक्षित सीट थी आपके गांव में इसलिए आप चुने गए आज सरकार ने एक फैसला लिया है कि 50 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे महिलाओं का कितना विकास हो सकता है कितना उत्थान हो सकता है आपका क्या मानना है इसमें महिलाओं का बहुत विकास हो सकता है क्योंकि कई कई घरों में कुछ भ्रांतियाँ हो रही जो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दे रही इसमें लोग महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा और उनको भी उनका भी कुछ विकास होगा कई परिवार ऐसे हैं जो महिलाओं को सरपंच बना तो देते हैं लेकिन बाहर निकलने नहीं देते उनको पूरी जानकारी नहीं मिलती कि क्या सरकार में क्या चल रहा है गांव में क्या चल रहा है दबा के रखते हैं तो इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि सरकार ने पचास वाला कानून लाया मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। अगर विकास कार्यों की बात करूं एक सरपंच को चुना जाता है कि गांव के विकास होंगे गांव में नई सुविधाएं निकल के आएंगी आपने क्या क्या विकास कार्य किए जो ग्रामीण आपको देख रहे हैं जो लोग देख रहे हैं उन्हें बताना चाहें हमने बहुत गांव में बहुत विकास कार्य किए हैं और गांव का भी ग्रामवासियों का भी पूरा सहयोग मिला है गाँव का विकास करने के लिए हमने आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करवाया नए आंगनबाड़ी भवन का और ग्राम सचिवालय है उसका निर्माण करवाया है और सोरडा कदीम से डाणी शाहजमानपुर में जो रोड जा रहा है वो भी उन्होंने आए मंत्री जी के सहयोग से बनाए ये और डाणी शाहजमानपुर से डिगावा रोड पर जो रोड निकलता है वो भी हमने करवाया है और गांव की गलियाँ सारी पक्की करवा दी गई हैं कहीं पर भी पानी का ठहराव नहीं है हमारे गांव में और शमशान भूमि कचियार दीवारी है वो कार्य चल रहा है दोनों गांव में डाणी शाहजमानपुर और सोडा कदीम में बहुत विकास कार्य करवाए अच्छा कुछ यूनिक भी रहा क्या आपकी इस कार्यकाल के दौरान कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मैंने बड़ी विशेष और बड़ी जबरदस्त चीज़ करवाई गांव गाँव में हमने हमारे गांव का जो बालाजी का मंदिर है उसके सामने खुली जगह पड़ी थी वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई थी उसको हमने साफ करवा के उसको चारों तरफ से दीवार खिंचवा के और पार्क बनवा दिया है ये मैं हमें मंत्री जी का इसमें पूरा सहयोग हुआ उनकी उनके कहने पर ही करवाया है उन्हें स्पेशल बोला थी इसके लिए भाई इसको ये मंदिर बनवा पार्क बनवाया जाए ये लोगों को बहुत फायदे देगा इसलिए मैंने वो पार्क का निर्माण करवा दिया है ग्रामीणों में कैसी बातचीत चलती है ये काम आपने करवाए हैं क्या क्या बोलते हैं लोग हाँ बहुत ऐसा तो धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारे गांव में इतने कार्य करवाए हैं सरपंच महोदय ने और खास करके डाणी शाहजहानपुर के लोग तो बहुत ही एहसान मानते हैं और जो गांव का पानी है वो भी नहीं गंदगी से छुटकारा मिल गया गांव को और गाँव में पक्की लियाँ और रोड निकल गया अच्छा मैं जानना चाहूँगा खुद को कितनी संतुष्टि है क्या सोचा था पहले कि सरपंच चुनने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना तब सपने तो होते हैं आपने सोचा था वो सब आप विकास कार्य करवा पाएगा हाँ जी मैंने लगभग ही करवा दिए हैं कोई एक आधा रह गया तो अगले आने वाले सरपंच से सहयोग करके करवा लेंगे बाकी तो मेरे को करवा दिए गए हैं अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि गांव में झगड़े फसाद हो जाया करते तब पंचायत कैसे फैसले लिया करती पंचायत की और एक लेडीज सरपंच की सुनते हैं लोग आपने कोर्ट में केस जाने दिए आप गाँव में बीच बचाव होके निपटारा हो जाया करता है ऐसे झगड़ों का हमारे गाँव में निपटारा हो गया कोई कोर्ट में केस नहीं गया है गाँव में भाईचारा है हमारी पंचायत का अच्छा मैं बात करूँ इलेक्शन एक बार लड़ लेता है वो दोबारा से उस पद को उस सीट को छोड़ने की मंशा नहीं होती लोभ लग जाता है थोड़ा सा और जब सीट कोई नहीं छोड़ना चाहता कुर्सी का लालच होता है आप भी दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगी या क्या मन बना रखा है नहीं जी हमारे यहाँ आपके बार नंबर नहीं है कोई नया उम्मीदवार सुनेंगे उस, उसके भी मन में कुछ कार्य करने की अक्समता होगी नए विकास कार्य के, के लिए ले, को लेकर वो भी हमारे साथ सहयोग करेगा तो मन में आप में भी, भी, भी उनके साथ जुड़े रहेंगे और हाँ जी सपोर्ट करेंगे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उनका पूरा सहयोग देंगे विकास कार्य करवाने में और उनका पूरा साथ देंगे अच्छा कोरोना टाइम की बात करूँ कैसे निपटे क्योंकि एक बड़ी मुसीबत बड़ी महामारी थी पूरे विश्व को जकड़ लिया इस महामारी ने अपने गाँव में कैसे मैनेज किया गाँव में सैनिटाइजर करवा के और लोगों को मास्क बांट के और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार बताया गया समय समय पर उनको सेवाएं दी गई इसलिए कोरोना महामारी से कुछ हद तक छुटकारा मिला है अच्छा जानना सरकार का कितना सपोर्ट मिला सरकार की कितनी भागीदारी है इन विकास कार्यों में जो आपने करवाए हमारे साथ पास सरकार की बहुत जिम्मेदार भागीदारी रही है क्योंकि हमारे मंत्री जी हैं है जेपी दलाल जी उनका पूरा सहयोग रहा है हम बढ़ चढ़ हमारे विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी गयी हमको हमारे गाँव को अलग से रखा है अच्छा लास्ट में जिन लोगों ने आपको चुना आपको सरपंच बनाया इस पद पर बैठा है उन्हें क्या कहना चाहेंगे लास्ट में दो शब्द के लोग उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनको मैंने एक महिला मैं रूप में एक आम गृहणी के होते हुए भी मेरे को सरपंच पद के लिए चुना गया उनके मन में भी कुछ विकास कार्य करवाने के लिए चाह होगी इसलिए मेरे को चुना गया मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे ग्रामवासियों को अच्छा लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा अब इलेक्शन दोबारा से आने वाले हैं लोगों को क्या मैसेज देंगे सरपंच को चुनते वक्त क्या ध्यान रखें किसे चुने एक जो गांव में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर विकास कार्य करवाए लोगों की सब छोटी से लेकर बड़ी जिम्मेदारी समझे अपने को उस आदमी को मैं सपोर्ट करना चाहूँगी ऐसे आदमी को चुनी गाँव में जो गाँव का विकास कार्य करवाए और लोगों के साथ मिलजुल कर रहे तो आपने देखा हमारे साथ सरपंच अनिल कुमारी जी मौजूद थे उनसे जानने को मिला गांव में किस प्रकार से एक सरपंच को चुनना चाहिए किस प्रकार के विकास कार्य उन्होंने गांव में करवाए इन पाँच साल के दौरान और गांव में भाईचारा किस प्रकार से है आपको कैसी लगी बातचीत हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपके इनके द्वारा करवाए गए कार्यों से संतुष्ट हैं क्या इनकी बातचीत जो हमारे साथ इस इंटरव्यू में रही वो सही है आप कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आ, क्योंकि कई बार हमें मौका नहीं मिलता गांव में हालांकि हम देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लोगों से भी बातचीत करते हैं फिर भी हम आप लिख सकते हैं कमेंट्स में और हमारे साथ अपनी भी कोई बात साझा करना चाहते हो तो हमें हमारा नंबर नीचे चल रहा है वो हमें कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद राम राम जय हिंद